मैंने 3 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं उतने दिनों में एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहा था जिनका नाम है अष्टावक्र। कहा जाता है कि उनके शरीर का कोई भी अंग सही नहीं था सिवाय उनके दिमाग के, और उनका दिमाग इतना गिफ्टेड था कि पूरे पृथ्वी पर उनके दिमाग के तुलना में कोई नहीं था। वो एक शस्त्रार्थी थे। अगर तुम शस्त्रार्थ के बारे में नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। पुराने समय में जब ज्ञानी लोग एक दूसरे से डिबेट करते थे तो उसे शस्त्रार्थ कहा जाता था। इसमें एक विनर और एक लूजर होता था। जो विनर होता था उसे लूजर को एक आदेश देना पड़ता था और लूजर को उस आदेश का पालन करना पड़ता था, चाहे वो जो भी आदेश हो। विनर को एक प्राइज भी मिलता था, जो भी ऑर्गेनाइज कराता था इस डिबेट को वो प्राइज भी देता था। अष्टावक्र जो थे उस वक्त के सबसे बड़े शस्त्रार्थी थे। उन्हें हराने वाला पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं था। लेकिन ऐसा बनने से पहले उनकी एक अपनी कहानी थी। अष्टावक्र के पिता जो थे वो अपने आप में एक बहुत बड़े शस्त्रार्थी थे। एक दिन वो एक शस्त्रार्थ करने गए और उस शस्त्रार्थ में एक ब्राह्मण से वो हार गए। हारने के बाद ब्राह्मण ने उन्हें आदेश दिया कि वो अपनी जान ले लें। अष्टावक्र के पिता ने अपना गला काट दिया और अपना जान ले लिया। उस दिन से अष्टावक्र ने कसम खा ली कि एक दिन वो उस ब्राह्मण को जरूर हराएगा। उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की, और दिमाग तो बचपन से गिफ्टेड था ही। ऐसे ही करते करते वो पृथ्वी के सबसे बड़े शस्त्रार्थी बन गए। कहानी आगे बढ़ती है, वो बदला ले लेते हैं। एक बार की बात है, वो एक राज्य में जाते हैं शस्त्रार्थ करने। जो राजा उस शस्त्रार्थ को ऑर्गेनाइज कराया रहता है वो अष्टावक्र के ज्ञान से बहुत प्रसन्न हो जाता है और उनसे ज्ञान की बातें पूछता है। अष्टावक्र और राजा के बीच जो बातचीत हुई उसी को अष्टावक्र गीता कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि हिंदू धर्म में अगर श्री कृष्ण और अर्जुन के वार्तालाप अर्थात असली गीता के बाद कोई दूसरी सबसे बढ़िया बुक है उसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। मैं इस कैरेक्टर को पढ़ रहा था, समझ रहा था, इसे अलग अलग एंगल से मैंने देखा और इस कैरेक्टर के अराउंड मैंने एक सीरीज डेवलप। ये जो सीरीज है वो इस कैरेक्टर को अलग अलग एंगल से दिखाती है, बट ये असली इवेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक फिक्शनल सीरीज है जो कि मैंने अपने से बनाई है ताकि इस कैरेक्टर को और अच्छे से समझा जा सके, जो कि असली कैरेक्टर का रेफरेंस लेके एक फिक्शनल स्टोरी है। तो मिलते हैं सीरीज में।